तो फाइनली बत्तख का अंडा खरीद लिया, एक में 10 है, एक में 5 में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। होप करता आप सब अच्छे होंगे और ठीक होंगे। फिलहाल मैं भी ठीक हूँ। और अभी गाइस मॉर्निंग के टाइम हो रहा है 9:26 और बारिश भी आया मेरे घर अभी फिलहाल। आज भी मौसम काफ़ी अच्छा है ना, बारिश एकदम पूरा काले काले बादल, काला काला बादल छाया हुआ है। आज लगता है आज भी धूप नहीं उगेगी, आज भी इसी तरह पूरा रात दिन भर मौसम करने वाला है। कल तो इसी तरह मौसम में नहा गए थे, किसी भी तरह हम नहीं नहाएंगे तो हम तो सोचे कि गर्म पानी मिलेगा तो नहा लेंगे, तो गर्म पानी भी नहीं मिले, इसे नहीं नहाए। काफ़ी ख़राब मौसम था यार, बादल बादल बारिश भी हुआ रात में, तो बारिश भी हो गया। हाँ रात में तो बारिश भी हो गया था, रात में बारिश भी हुई, नहा लिए। देखते आज भी धूप निकलता है तो फिर कहीं जाएंगे घूमने के लिए, नहीं तो ऐसे ही आप सबको इंटरटेनमेंट दिन भर करते रहेंगे और कहीं कहीं जाएंगे देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी चलते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं किया तो ब्रेकफास्ट करते पहले करेंगे। ये भी ब्रेकफास्ट नहीं किया, सुबह सुबह मेरे घर आ गया, थोड़ा हेल्प था हमें इसलिए आ गया अभी। तो फिर नाश्ता करके मिलते हैं आप लोग से। एक वीडियो भी अपलोड कर दिए, नहीं देखे तो जाके जरूर देखना, अपलोड भी हो गया एक वीडियो और ये फिर दूसरा वीडियो फिर चालू होगी। तो चलते ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आप सबसे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो फिलहाल गाइस अभी हम सुबह का ब्रेकफास्ट कर लिए और अभी हम लोग जा रहे हैं बत्तख का अंडा खरीदने के लिए, और काफ़ी दूर जा रहे हैं खरीदने के लिए। और हम लोग बहुत के फ्रेंड में साथ में हैं, साथ में जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, लगभग 1.5 किलोमीटर हम लोग दूर है। देखते मिलता है, मिलते हैं कि नहीं पता नहीं, बहुत जल्दी उसका ख़त्म हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बिक्री होता है उसका, सुबह ही सब कोई ले जाता है। और अभी टाइम हो रहा है 10:12, तो चलते हैं वहाँ, फिर वहाँ पर दिखाएंगे आप सबको। काफ़ी ज़्यादा पालन हो रहा है बत्तख का वहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा बत्तख का पालन कर रहे हैं, बहुत सारा उसके पास सामान भी है और फिल्टर पानी भी वो सप्लाई करता है काफ़ी ज़्यादा। तो दिखाएंगे वहाँ पे जाके, चलते आगे ब्लॉग में बने रहे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइज फाइनली पहुँच चुके हैं यहाँ पे जाकर बत्तख का अंडा मिलता है, तो अभी चलते हैं अंदर, फिर बत्तख अंडा खरीदते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बत्तख का पालन भी होता है, तो आगे अंदर दिखाते हैं। देख सकते हैं गाइस काफ़ी ज़्यादा अंडा है यहाँ पे, इधर है, उधर है, उधर भी है, इधर है सारा, और यहाँ पे भर रहे हैं अंडा। तो फाइनली बत्तख अंडा खरीद लिया, एक में 10 है, एक में 5 में। तो अभी बत्तख भी दिखाते हैं, काफ़ी ज़्यादा पालन यहाँ होता है बत्तख का, और बहुत सारा बत्तख है और बहुत सारा चीज़ है बत्तख ही है, और ये सब जो मुर्गी वर्गी है और बहुत सारा देख सकते, बहुत सारा बत्तख यहाँ पे। और तालाब भी बना के रखे हैं, देख सकते तालाब भी बना के रखे हैं यहाँ पे, ताकि बत्तख सब सुरक्षित अपना रह सकते हैं। और घर भी उस साइड बनाया है रहने के लिए बत्तख सब के लिए। देख सकते हैं गाइस आप लोग सब, जितना बत्तख सब अभी पानी में है देख सकते हैं। और फिलहाल यहाँ से निकलेंगे, फिलहाल अभी बत्तख का अंडा खरीद लिए, अब यहाँ से घर निकलेंगे। काफ़ी दूर भी हम लोग यहाँ पड़ता है, लगभग 1.5 किलोमीटर दूर आना पड़ता है पैदल, उसके बाद हम लोग खरीदते ये बत्तख का अंडा। तो चलते हैं फिलहाल भी घर, फिर मिलते हैं घर में जाके। हमारे सत्तार भाई यहाँ पे अंडा खरीद लिए हैं और अभी हम लोग फिलहाल घर जा रहे हैं, घर की ओर। अभी 1.5 किलोमीटर हम लोग को चल के पैदल जाना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है हम लोग का घर। काफ़ी ज़्यादा बत्तख का पालन होता है गाइस, और डेली इसका डेली रोज़ाना इसका बहुत सारा ये है ना अंडा, बहुत सेल होता है, बहुत काफी ज्यादा सेल होता है अंडा। और मार्केट के हिसाब से अच्छा अच्छा प्राइस में देता है मार्केट में। एक तो अंडा का हमको पड़ा कितना, 10 रुपया, और मार्केट लिए 15 लिए, तो हम लोग मिल गया 150 रुपया में, 15 मिल गया अभी। और मार्केट में यही अंडा का प्राइस 2 रुपया ज्यादा है, 12 रुपया, 12-13, 15 तो फिलहाल अभी चलते हैं हम लोग घर की ओर और फिर घर में मिलते हैं आप लोग से। तो गाइस ये फ्रिज और अंदर में रख दिया अभी अंडा, देख सकते हैं यहाँ पे रखे हैं, अंडा रखने की जगह है तो यहाँ पे रख दिया अंडा। और 2 hours later। सो गाइस हम लोग अभी घर से निकल गए हैं और हम लोग जा रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए, और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, 3:55, और अभी हम लोग जा रहे हैं, लगभग 4 बजने वाले हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं टहलने के लिए इवनिंग वॉक पे, जहाँ हम लोग सुबह सुबह दौड़ने के लिए जाते थे जिस साइड से, वहीं पे जा रहे हैं सुबह सुबह दौड़ने जिस तरफ जाते थे उधर ही हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। और अभी मौसम भी काफ़ी मस्त हो गया, काफ़ी मस्त धूप भी निकल गया है, तो देख सकते हैं धूप भी काफ़ी ज़्यादा निकल चुका है। सुबह के टाइम में, सुबह के टाइम में तो धूप नहीं था, पूरा बादल काले काले बादल भी था, ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाला, लेकिन बारिश नहीं हुआ, धीरे धीरे धूप भी निकल गया और मौसम बहुत ही मस्त सुहाना कर दिया। तो आगे भी फिर आप सबको दिखाएंगे कहाँ कहाँ हम लोग जा रहे हैं और किस जगह पर जा रहे हैं। तो पैदल पैदल गाइस अभी काफ़ी दूर आ गए हम लोग,
और पैदल पैदल जा रहे हैं यार, और किस जगह पे जा रहे हैं तो आप सबको देखने को मिलेगा। तो लास्ट तक ब्लॉग में बने रहे ना बारिश। अभी काफ़ी ज़्यादा दूर भी है अभी जाने में, लगे शायद टाइम भी कितना टाइम लगेगा जाने पता नहीं, लगभग तो पैदल ही हम लोग जा रहे हैं, बाइक तो है नहीं तो बाइक से हम लोग जाएंगे। जहाँ भी अभी जा रहे हैं हम लोग ट्रेवल बाइक से पैदल ही हम लोग जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं। मतलब गरीब आदमी कहाँ से मिलेगा बाइक, कुछ नहीं तो पैदल ही जाना पड़ता है, बस वीडियो बनाने के लिए आप सबको दिखाने के लिए। तो आज के व्यू काफ़ी मज़ा आने वाला आप सबको, तो लास्ट तक जरूर देखें। तो चलते आगे, वहाँ से जाके दिखाते हैं कहाँ हम लोग जा रहे हैं। सो गाइज, फाइनल हम लोग पहुँच गए जहाँ पे हम लोग आ रहे थे, और इस जगह जहाँ पे हम लोग आ रहे थे और काफ़ी दूर से हम लोग पैदल आए यार यहाँ तक, और काफ़ी दूर पड़ता है हम लोग गाँव से, लगभग 2 किलोमीटर पड़ जाता है यहाँ। और काफ़ी बड़ा जंगल यार, जंगल है देख सकते हैं, पूरा बड़ा जंगल ये है। और ये हम लोग जमीन से लगभग रोड से ऊंचा पड़ता है, ये वाला पहाड़ जैसा इस जगह है, और देख सकते हैं एकदम जंगली जंगल लग रहा है। तो पूरा दिखा भाई जंगल, पूरा ऊपर से दिखा, बहुत बड़ा जंगल है यार, बहुत बड़ा जंगल ये। वाह क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो इतना ऊपर आने के बाद हवा भी अभी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा भी लग रही है, तो इसलिए टोपी पहन के है। और देख सकते हैं वहाँ नीचे रोड कितना नीचे में, तो दिख रहा होगा आप सबको रोड कितना नीचे में, और हम लोग कितना ऊपर में अभी है, और हम लोग कितना ऊपर में भी खड़ा होकर वीडियो कर रहे हैं अभी। और उधर भी आगे चलेंगे, अभी उधर आगे और मस्त जगह है, जंगल बहुत बड़ा ये जंगल है, एकदम जंगली एरिया ये वाला है, और पहाड़ी एक बोलता है पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी एकदम पूरा ये पहाड़ दरिया। जंगल है और जाने का रास्ता भी नहीं है, तो उधर नहीं जाएंगे गाइस, बहुत ही बड़ा बहुत जंगल है और खतरा भी है, हो सकता है सांप उप निकल सकता है, और इतना बड़ा जंगल में कुछ भी रह भी सकता है, कोई यही नहीं है। और शायद यहाँ पिकनिक भी लोग करने आते थे, तो देख सकते हैं चूल्हा वूल्हा बना के रखे हैं यहाँ पे, और पिकनिक भी शायद लोग करके यहाँ पर गए हैं। और जंगल तो बहुत बड़ा है गाइस, क्या ही बताओ, बहुत बड़ा जंगल है, आप लोग इतना बड़ा जंगल दिखाई नहीं पाएंगे, इतना बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है गाइस। और जहाँ हम लोग यहाँ आए हैं, और इस जगह पे शायद अंग्रेज़ों ने अपना गुफा बनाया है, तो वो शायद वीडियो हम नहीं बनाए, एक चैनल ने बनाया है जो कि नेशनल ब्लॉग प्रिंस में, तो जाकर जरूर चेकआउट करना, एक जो दिखा होगा अंग्रेज़ों का गुफा, बहुत बड़ा गुफा है, और अंग्रेज़ों ने इस जगह पे जंगल जो है इस जगह पे अपना गुफा बना के शायद गया होगा, शायद उसका स्थान यही था, रहना सहने का स्थान यही पर था, शायद उसका शासन चलता होगा, तो यहाँ इसका गुफा है। लेकिन आज के वीडियो में नहीं दिखाएंगे, किसी दिन आएंगे और तो दिखाएंगे वो गुफा, कहाँ गुफा है और किस तरह हम लोग रहते थे और किस जगह पे किसका गुफा बना है, फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में वो दिखाएंगे। तो अभी सो गाइज, हम लोग यहाँ पे बैठ के काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिए, और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया क्योंकि शाम भी होने वाला है, काफ़ी दूर भी हम लोग घर में है, घर जाने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, ऐसे ही तो हम लोग बाइक तो है नहीं, पैदल ही जाना होगा। तो यहाँ से घर निकलते हैं फिर, तो घर में जाके फिर आप सबसे मिलते हैं, तो फिलहाल चलते हैं घर। और काफ़ी अच्छा तो लगा होगा आप सबको वीडियो ये देखने में, तो ज़रूर लाइक करना। तो चलते हैं फिर घर में आप सबसे मिलते हैं। सो गाइज, फाइनली हम लोग जंगल में एक मोर मिल चुके हैं, देख सकते हैं गाइज, काफ़ी मस्त दिख रहा है यार मोर, देख सकते हैं, और यार भाग गया यार। सो गाइज, फाइनली मैं अपना घर पहुँच गया हूँ, फिर घर पहुँच के फिर मैं अपना छत में आ गया हूँ वीडियो एंडिंग करने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया हम लोग वहाँ से आने में, क्योंकि पैदल आना पड़ा वहाँ से हम लोग, और अभी इवनिंग का टाइम भी हो गया है, 5:30, और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। तो और होप करता हूँ आप सबको ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, और चैनल में नहीं आया तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखना, तब तक के लिए बाय। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।